गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल नंदिता डेली ब्लॉग में। तो गाइज, आज मैं गैस साफ़ करने जा रही हूँ, डीप क्लीन करने जा रही हूँ। एक्चुअली साफ़ तो मैं रोज़ ही करती हूँ, तो आज डीप क्लीन करूँगी, क्योंकि कल वाले ब्लॉग में भी मैं बोली थी साफ़ की थी, लेकिन ऐसे ही कर दी थी। डीप क्लीन की तो ज़रूरत है, थोड़ा जला हुआ जैसा लग रहा था, तो आज सोची कि खाना जल्दी बन गया है तो चलो आज साफ़ कर लेती हूँ लगे हाथों। तो मैं अंदर वाले ये स्टील वाला जो पार्ट है उसको मैं स्क्रबर जो बर्तन बार होता है उससे मैं साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि स्टील का है वो, और कोई चीज़ गिरता है तो जल जाता है उसमें, तो बस उसी से मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और गैस के ऊपर वाले पार्ट को मैं बस ऐसे ही हल्के हाथों से स्क्रबर से धो रही हूँ, बट दबा के नहीं कर रही हूँ, एकदम हल्के हाथों से कर रही हूँ, क्योंकि वो तो ऐसे भी साफ़ सुथरा जैसा ही लगता है। और बस वो स्टील वाला जो पार्ट है उसको मैं रगड़ के धो रही हूँ, क्योंकि उसमें जला हुआ जैसा लग रहा था। मैं खिड़की को साफ़ नहीं की थी, ध्यान नहीं था मुझे, और मैं गैस साफ़ करने बैठ गई थी। गैस साफ़ करने पर मुझे ध्यान पड़ा कि खिड़की में भी थोड़े जाले जैसे हल्के से लग गए थे, गंदे हो गए थे, तो मैं पूरा क्लीन नहीं की थी, तो सोची कि चलो अभी कर लेती हूँ। तो मैं खिड़की में जो धूल थे, थोड़ा बहुत जाले वाले थे, वो मैं साफ़ कर रही हूँ फ़िलहाल। और उसके बाद किचन सेल्फ जो है, किचन काउंटर टॉप, सबको मैं अच्छी तरह से फिर साफ़ करूँगी। अभी काम मेरा अधूरा ही है, इसलिए मैं झाड़ू लगा ली हूँ खिड़की के ऊपर भी। मैंने गैस ओवन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया, पूरा एकदम चकचक हो गया है क्लीन। और अभी मैं सिर्फ सेल्फ को साफ़ कर रही हूँ, वो भी थोड़ा, जानते हैं ज़्यादा दिन पर साफ़ करने से ना थोड़ा सा तेल का ये हो जाता है, चिट-चिट जैसा हो जाता है, तो ज़्यादा तो नहीं था, बट फिर भी मैं उसे भी स्क्रबर से ही धो दी थी, ताकि एकदम से साफ़ चकचकाचक हो जाए तो अच्छा भी लगता है, खाना बनाने में भी मन लगता है। तो अभी मैं फ़िलहाल वही कर रही हूँ।
देखिए मैंने अपना किचन क्लीन कर लिया। ये देखिए किस एकदम चकचक कर रहा है, एकदम खिड़की का परछाई आ रहा है मेरे गैस ओवन पे, ये देखिए। और बहुत अच्छे से साफ भी हो गया है। और किचन का ये जो टॉप है, किचन काउंटर टॉप जिसे बोल सकते हैं, वो भी मैंने अच्छी तरह से साफ किया है, एकदम स्मूथ लग रहा है। और ये सब तो डेली यूज का है सामान, डेली यूज का नहीं है सब, इसमें इलायची है, रोज चाय के लिए यूज होता है, उधर अजवाइन है, कभी कभी खाने के बाद मेरे हस्बैंड खाते हैं या मैं भी खा लेती हूँ। और एक में काजू और एक में पोस्तदाना रखा हुआ है। ये बोतल मुझे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए मैं ऊपर रखी हुई हूँ ऐसे। तो बस मेरा किचन एकदम पूरी तरह से क्लीन हो गया। ये देखिए सिंक में जो साइड में काला काला जैसा दाग दिख रहा है, वो बहुत पहले से था, मैंने बहुत कोशिश किया उसे छुड़ाने के लिए, बट नहीं छुटा नहीं, बट क्लीन है, साफ़ है, छूने में साफ लगता है। खाना बना के रखी हुई हूँ, तो इसमें है पकाया हुआ टमाटर है, इसका मैं अभी चटनी बनाऊँगी। और आज बनाई हूँ मैं अंडा कढ़ी, ये देखिए वाओ, देखने में कितना टेस्टी लग रहा है ना, वाओ। और नीचे डेक्ची में तो चावल है, और इसमें है आलू का भुजिया, आलू बॉईल की थी अंडा में डालने के लिए, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो उसका मैं भुजिया बना दी। आलू बॉईल करके बनाया हुआ भुजिया काफ़ी अच्छा लगता है मुझे खाने में। तो फाइनल मेरा किचन पूरी तरह से क्लीन हो गया ये, और मैंने फर्श को भी अच्छी तरह से धो दिया है, बर्तन भी पूरा क्लीन करके रखा हुआ है। जो बर्तन मैं क्लीन करती हूँ, मतलब साफ़ करती हूँ, जिस टाइम मांजती हूँ उस टाइम मैं इस नीचे वाले पे रख देती हूँ, और जब पानी थोड़ा सूख जाता है तब मैं कप को कप के जगह पे, बाकी प्लेट को ऊपर में वहाँ पे, और बाकी सारे बर्तन को अरेंज कर देती हूँ मैं।